हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम बात करने वाले हेराफेरी 3 के बारे में, और जो अपडेट आज इस वीडियो के अंदर हम शेयर करने वाले, उसको सुनने के बाद आप सभी लोग कहोगे अभी तो मजा आएगा ना भिरो, क्योंकि अपडेट ही कुछ इस प्रकार है। जैसे अनाउंसमेंट हुआ था तो सभी लोग खुश थे, लेकिन जब पता चला कि डायरेक्टर ये होने वाला, ये चेंजेस होगा, वो चेंजेस होगा, तो फैंस लोग काफी घबरा गए, क्योंकि इस मूवी का भी अपने आप में एक बहुत बड़ा फैन बेस है। एंड इसी वजह से फैंस थोड़े गुस्सा थे, थोड़े घबरा गए थे कि ये मूवी भी फ्लॉप पे ना हो जाए। लेकिन आज जो अपडेट आप लोगों से शेयर करने वाला हूं, सुनने के बाद आप सभी लोग कहोगे मजा आ गया भीरू, और ये अगर होता है तो कोई आई थिंक कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। यानी हेराफेरी 3 का जो स्टोरी होगा वो हेराफेरी 2 में जहां पे खत्म हुआ था वही से स्टोरी स्टार्ट होने वाला है। कोई नया न्यू स्टोरी नहीं होने वाला, वही स्टोरी होने वाला है जो कि नीरज वोरा ने लिखा था, वही डायलॉग्स होने वाले, वही सभी चीजें यहाँ पे रिपीट किया जाएगा, कोई भी चेंजेस यहाँ पे नहीं होने वाला। यानी हेराफेरी 2 के अंदर राजू ने जो गन्स यहाँ पे चुराए थे, उसके बाद जो उस गन्स को यहाँ पे नदी में बहा दिया था, वही से जो है स्टार्ट होने वाला है हेराफेरी 3 का स्टोरी। और हेराफेरी 3 के अंदर आप लोगों को देखने को मिलेगा कि राजू इन गन्स को उठा पाएगा या फिर नहीं। उसके बाद ये स्टोरी इंटरनेशनल मार्केट के अंदर जाएगा, यानी वहां पे जाके ये स्टोरी किस हिसाब से जाता है, किस हिसाब से स्टोरी लाइन चलता है, वो तो बाद में पता चलेगा। और साथ ही साथ हेराफेरी 3 के थर्ड पार्ट के अंदर एक न्यू कैरेक्टर का एंट्री होने जा रहा है, और वो न्यू कैरेक्टर है संजू बाबा। जी हाँ, संजय दत्त सर का एंट्री होने जा रहा है हेराफेरी 3 के अंदर। और हेराफेरी 3 के अंदर संजय दत्त सर होने वाले हैं मेन विलेन, और उनका जो रोल और कैरेक्टर लिखा गया वो भी काफी इंटरेस्टिंग है। यानी जो बैक स्टोरी दिखाया जाएगा वो भी काफी इंटरेस्टिंग। तो हेराफेरी 2 के अंदर तोतला सेट, ये कैरेक्टर तो आप लोगों को याद ही होगा, तो तोतला सेट का साइड कैरेक्टर रवि किशन उनका ब्रदर का रोल यानी भाई का रोल प्ले करने वाले हैं संजय दत्त सर। जी हाँ। और फर्दर अपडेट की बात करें तो फुल स्विंग में इस मूवी का प्री प्रोडक्शन का काम चल रहा है, और इस मूवी का जो शूटिंग है वो मई से लेकर जून के महीने में स्टार्ट हो जाएगा, और ये मूवी आप लोगों को 2024 के दिवाली के महीने में रिलीज होता हुआ नजर आएगा। यानी ये मूवी सन 2024 में दिवाली के मौके पर आप सभी लोगों को देखने को मिलेगी। और ये सभी ये चीज एकदम कंफर्म है कि इसमें को डायरेक्ट करेंगे फहद सामजी। तो वैसे कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा अगर कहानी और डायलॉग्स नीरज वोरा के ही रहे, तो डायरेक्टर कोई भी हो घंटा भी फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर इसमें कोई ज्यादा ही चेंजेस किया जाए तो भाई यहाँ पे खराब करने के लिए तो फहद सामजी यहाँ पे बैठे हुए हैं। लेकिन अगर चेंजेस ज्यादा नहीं किए जाए, जिस तरीके से लिखा गया उसी तरीके से इस चीज को परफॉर्मेंस दिया जाए, तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे डायरेक्टर को लेके भी कोई प्रॉब्लम होने वाला है। तो एक्साइटमेंट आप लोग पकड़ के रख सकते हो। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, ये अपडेट पसंद आया हो, तो वीडियो को एक लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आज के लिए इतना ही, मिलता है आप सभी लोगों से नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।